फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने पीसी में ब्लूटूथ डिवाइस को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और अपने पीसी से किसी भी फाइल को, फोटो हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, किसी भी फाइल को अपने मोबाइल में किस तरह सेंड कर सकते हैं, साथ ही मोबाइल से पीसी में किस तरह किसी भी फाइल को सेंड कैसे कर सकते हैं, इन्हीं के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियाम्स टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। इस तरह का डिवाइस आप बाजार में 30 से 40 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस तरह का डिवाइस आपको इसलिए परचेज करना पड़ेगा क्योंकि पीसी में इस तरह का डिवाइस नहीं लगा हुआ होता है, लैपटॉप में इस तरह का डिवाइस पहले से लगा हुआ होता है, इसलिए उसमें अलग से इस तरह का डिवाइस परचेज करके लगाना नहीं पड़ता है। तो इस डिवाइस को आप अपने सीपीयू में आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। तो आप इसे जैसे ही लगा देंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना ही सेटिंग करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको है सो अपना मोबाइल ले लेना है, उसके बाद अपने मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाना है। तो उसके बाद यहाँ आपका ब्लूटूथ ऑफ रहेगा तो यहाँ इसे क्लिक करके ऑन कर दें। उसके बाद यहाँ आपको अपने पीसी का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तो यहाँ आपको टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1234 लिख देना है। यहाँ देख सकते हैं बोल रहा है कि यूजुअली आप 00004 टाइम या तो 1234 यूज कर सकते हैं, तो मैं 1234 ही यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ ओके वाले में मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। बस मोबाइल में काम हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है एड डिवाइस में, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे अभी क्लिक नहीं करें, आप है सो ब्लूटूथ में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद जो आपने वहाँ पे 1234 डाला था वही यहाँ पे सेम लिख दें आप। तो मैं लिख देता हूँ 1234। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले में मैं क्लिक कर देता हूँ। ये इसका टाइम आउट हो गया इसलिए यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं लिया। मैं अगेन करता हूँ फिर से 1234 ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब जल्दी से लिख देता हूँ 1234 और मैं यहाँ नेक्स्ट वाले में क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि दिस डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू दिस कंप्यूटर, यानी कि इस कंप्यूटर से ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। मेरा मोबाइल ब्लूटूथ से मेरे पीसी से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ क्लोज वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी फाइल मैं सेंड करके देखता हूँ कि जाता है कि नहीं। तो सेंड करने के लिए यही मैं ब्लूटूथ आइकन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड ए फाइल लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ये मेरे डिवाइस का नाम है रियान्स टेक, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ब्राउजर वाले में यहाँ देख रहे हैं ब्राउजर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके जिस भी फाइल को आप सेंड करना चाहते हैं उसे आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं इस फोटो को ले लेता हूँ। जैसे मैं इसी फोटो को सेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे वीडियो, पिक्चर, म्यूजिक जो भी आप सेंड करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए यह फोटो ले लिया है। उसके बाद मैं ओपन वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो फोटो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंड कर दिया है और यहाँ पर भी बता दिया है, मोबाइल में भी आप मोबाइल में भी देख सकते हैं टैब करके फोटो आपका यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं बता दिया है। यहाँ एक्सेप्ट पे आप क्लिक कर दें, बस हो गया। तो फोटो को आप देख सकते हैं, देखने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद शो फाइल रिसीव में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ से तो आपको फोटो देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको फोटो देखने के लिए आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है, इंटरनल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको अपना फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप है सो अपने पीसी से जो भी सेंड करना चाहते हैं, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, वो सेंड कर सकते हैं। बस आपको ब्लूटूथ के आइकन पे जाना है, सेंड ए फाइल में जाना है, उसके बाद आपको अपने डिवाइस में सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, ब्राउज में जाना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो, वीडियो, म्यूजिक, यहाँ पे जिस भी ड्राइव में आप रखे हुए रहेंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, बी ड्राइव, उस ड्राइव में आपको जाना है।
उसके बाद क्लिक कर देना है जिस भी चीज को आप सेंड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद ओपन कर देना है। जैसे मैं एक कोई दूसरा चीज सेंड करके दिखाता हूँ, जैसे मैं ये वीडियो है, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं फोटो ही सेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसी को सेंड करता हूँ, उसके बाद ओपन वाले पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, तो देख सकते हैं तुरंत ही ये ट्रांसफर हो गया है, मोबाइल में भी आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल से किस तरह आप है सो पीसी में किसी भी चीज को, फोटो वीडियो में जी किसी भी चीज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने मोबाइल से पीसी में सेंड करके दिखाता हूं आपको। तो सेंड करने के लिए यहां ब्लूटूथ वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे रिसीव फाइल पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पे आपको अभी छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जिस भी चीज़ को सेंड करना है, जैसे मैं फ़ोटो सेंड करके दिखाता हूं, तो यहां शेयर का बटन आपको दिख जाएगा, शेयर वाले बटन पे आपको क्लिक करके ब्लूटूथ में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस का नाम यहां पे शो कर देगा, तो उस पर टैप कर देना है, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया है कि एक फाइल यहाँ पे आ गया है, तो मैं यहाँ फिनिश वाले में क्लिक कर देता हूँ। ये फाइल मेरे कंप्यूटर में सेव हो चुका है, तो उसे देखने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको है सो जाना पड़ेगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जाना है यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद आपको अपने डिवाइस के नाम में जाना है, उसके बाद आपको जाना है माई डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपको वो इमेज देखने के लिए मिल जाएगा जिस भी इमेज को आप ट्रांसफर किए हुए रहेंगे। ये दूसरा इमेज है, ये वाला इमेज होगा, देख सकते हैं इमेज यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप है सो जिस भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीसी से मोबाइल में, मोबाइल से पीसी में। मैंने तो फोटो ही करके दिखा दिया है, आप वीडियो म्यूजिक जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि अपने पीसी में ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है, किसी भी फाइल को सेंड और रिसीव कैसे करना है। फिर भी यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या को अपनी समस्या समझकर इसका 100% सॉल्यूशन दूंगा। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।